दर्शकों, हमने संदोल गांव का एक लिव इन रिलेशन का मामला दिखाया था, जिसमें पिछले 2 सालों से लिविंग रिलेशन में रह रहे थे कहीं बाहर, लेकिन जैसे वो बाहर से अपने गांव आते हैं तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था। वो वीडियो हमने आपको दिखाई थी और उसमें साथ में हमने ये भी बोला था, अगर इस मामले में दूसरा या तीसरा पक्ष सामने आता है और कुछ कहना चाहता है तो वो भी अपना पक्ष रख सकता है। उन लोगों के, दूसरे पक्ष के, हमारे पास कॉल जरूर आई थी, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ पाए। ये कारण क्या रहे हैं वो हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे से सिर्फ संपर्क किया, समय निर्धारित कर लिया था, लेकिन उस समय पर वो कैमरे के सामने नहीं आ पाए। हम फिर से उन लोगों से भी ये अपील करेंगे, अगर आप अब भी अपना पक्ष रखने के लिए कैमरे के सामने आकर के कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलिए। अभी की अगर बात करूं तो वही पहले वाला पक्ष जो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे वो लोग हमारे साथ मौजूद है। इस समय आप देख सकते हैं फ्रेम में वो लोग भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, और अब ये कोई और बातें जो है वो रखना चाहते हैं। क्या वो बातें रखेंगे ये हम आपको इस कंटेंट के माध्यम से दिखाएंगे। क्या इनका कारण रहा है जिस कारण इनको दोबारा से कैमरे के सामने आकर के अपनी बातें रखनी पड़ी है। जी बताइए, आज आप दोबारा से कैमरे के सामने आए हो, क्या वजह रही है जिसके कारण आज आपको दोबारा से कैमरे के सामने आकर के अपनी बातें रखनी पड़ी? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरे गांव में गया था, 2 दिन गांव में रहा, मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश की गई, मुझे गांव से निकालने जाने के लिए कहा 3-4 आदमियों ने, और मैं मेरे बूढ़े माँ बाप के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे गांव में नहीं बढ़ने देते। 4-5 दो अन्य आदमी है, उनने ज्यादा जोर मार रखा है, अब ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे। कौन थे वो व्यक्ति, क्या कह रहे थे, आपके घर पर आकर के कहा है या किसी फोन के माध्यम से आपको ऐसी बात? वो गली में कहते हैं कि घर से बाहर निकलते ही तुझे मारेंगे। कौन थे वो व्यक्ति? एक तो दीवान पटवारी है, एक महेंद्र है, महेंद्र के घर पंचायत होती है, सारी इकट्ठे वहीं होते हैं महेंद्र के घर, एक मोर सिंह है, एक जिले सिंह, एक जुगलाल का प्रताप, ये है। क्या कह के गए? ये नुकाय इकट्ठा हो जाओ सारे और बाहर निकले, गली में आए तभी इसको मारेंगे। और इनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन भी दी थी आज से 1-1.5 साल पहले, एसपी साहब के लगाई थी, इसने मेरी गाड़ी में ट्रैक्टर मारा था जबकि है, और दीवान मेरे खेत में जाके कह के आया था कि इससे खेत छुटवा ले, इसने 4 लाख रुपए दे रखे तो हम 8 लाख दे देंगे इसको, हम गांव में नहीं बढ़ने देंगे। यानी कि ये व्यक्ति पहले से आपका विरोध कर रहे हैं? हाँ सर, उसे दीवान और प्रताप के खिलाफ तो मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई थी एसपी साहब के 4/11/2020 को लगाई थी। तो उस समय के बाद और अब के बीच में क्या दोबारा से आपके बीच में कोई बातचीत हुई हो, किसी प्रकार का कोई वैर विरोध हुआ हो? गांव में मैं जाता नहीं, गांव में मुझे बढ़ने नहीं देते, गांव में जाता हूँ सभी विरोध करने की कोशिश करते, फिर मैं निकल आता हूँ रात को लेकर के आता हूँ। तो फिर अब दोबारा से आप कैमरे के सामने आए हैं? दोबारा से यही है कि भाई बैठ के मेरे साथ कोई बात की जाए, जो भी बात होगी, गांव में भाईचारा खराब ना किया जाए। तो आपको लगता है कि इस मामले में, जैसे आपने जो भी किया है, इस मामले में गांव का जो भाईचारा है वो खराब हो रहा है? ये मैं तो, हम तो सहमति से गए थे, ये अब उसके परिवार के भी नहीं है, ये इसका, इसको भड़का रहे है, दीवान पटवारी है, ये मैन है, ये भड़काने में है, ये नहीं होने देता, नहीं हमारा फैसला भी हो जाता, ये सभी को ये नटवाता है। आपने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें दोबारा से अपने पति के यहाँ जाने की बात कही थी, क्या दोबारा से आपने कोई फिर से प्रयास किया है? क्योंकि उस समय वो आपने बताया था कि उन्होंने तो थाने में लिख के दे दिया है कि हम आपको नहीं रखते। नहीं जी, आपने दोबारा से कोई प्रयास नहीं किया? नहीं जी, कौन किया? अगर आपके पति आते हैं या गांव में पंचायत वगैरह से किसी प्रकार से कोई समझौता होता है कि आप अपने पति के यहाँ, तो साफ ही मना कर रहे हैं, हम नहीं रख दे, लेते नहीं ले, हम तो गांव में बढ़ेंगे तो मारेंगे जान से। अगर गांव में कोई पंचायत होती है, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो पंचायत में निपटा लिए जाते हैं, अगर आपका ये मामला पंचायत में निपट जाता है तो क्या आप अपने पति के घर वापिस जाएंगी? मैंने अपने बच्चों में जाने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और ले जाने के साथ मना कर गया, मैं ले जाने जाता, जो गांव में पंचायत होएगी नहीं, फिर मैं सोचेंगे भी पंचायत के लिए भी क्या करना है।
आप क्या कहेंगे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, भाईचारा खराब ना हो, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? भाईचारा हम खराब नहीं करना चाहते। रोहतास और रोहतास का भाई तो नोबले हम नहीं आएंगे आगे। आज के बाद में हम जो भी होगा तेरा सहयोग देंगे, हम आगे नहीं आएंगे, उसके साथ भी नहीं लगेंगे कभी भी, और भाई बैठ के आपे बात कर लेंगे। ये रोहतास वही है जो पहले से आपका विरोध कर रहे थे? हाँ वो ही रोहतास है। उसने तो कह दिया था घर आके भाई हम नहीं आएंगे, भाई तू मेरे काम आया हुआ है, हम तेरा ही साथ देंगे। किस प्रकार के काम आए हुए इनको? आपसे में इनका झगड़ा हो गया था, परिवार परिवार इससे गाँव से निकाले थे, तो हमने इसका सहयोग दिया था, मैंने और मेरे परिवार ने रोहतास का सहयोग दिया था आज से 7-8 साल पहले। इस मामले में अगर प्रशासनिक बात की जाए तो क्या ये मामला प्रशासन के संज्ञान में है कि आपके साथ अब इस प्रकार से भेदभाव जो है वो हो रहा है? प्रशासन को अभी तो नहीं दिया, पहले तो काफी दिए हुए हैं, मेरे सारे पास फोटोकॉपी है, जितनी बार भी दिए हुए है, एसपी साहब के, अनिल विज के भी लगाई हुई है, आईजी साहब के भी लगाई हुई, कई जगह लगाए हुए। अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? अंत में यही कहना चाहता हूँ, यो दीवान पटवारी है, यो ही सभी को भड़काता है गांव में, इसने एक दो और झगड़ा करवाया हुआ है, ये सबसे आगे रहता है और ये ही अपने पद का दुरुपयोग करके सभी को लड़ाता रहता है। मेरी प्रशासन से ये अपील है, मेरे और मेरे परिवार को अगर कुछ हो जाता है तो इसमें जो मैंने अभी नाम दिया ये जिम्मेदार है, दीवान पटवारी इसमें इसका अहम रोल है। अगर मेरे मेरे परिवार को कुछ होता है तो दीवान पटवारी मेरी मौत का जिम्मेदार होगा। दर्शकों, हमने संदोल गांव का ये मामला दिखाना दोबारा से उचित क्यों समझा? हो सकता था किसी प्रकार की कोई बातें जो है ऐसी हो जाए जिससे ये पूरा मामला शांत हो जाए। हर कोई ये चाहता है कि इस प्रकार के अगर मामले होते हैं तो वो शांत हो जाए, गांव में किसी प्रकार का भाईचारा खराब ना हो। इन सब बातों को लेकर के हमने ये उचित समझा कि हम दोबारा से इन लोगों से बातचीत करें, आप लोगों के सामने इन लोगों को लेकर के आए। इनने जो बातें रखी है वो बातें आपको कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके जरूर बताइएगा। जी एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए हैं कि मजबूरन हमें उन कमेंट को या तो डिलीट करना पड़ा है या फिर उनको हिडन करना पड़ा है। समाज एक बात की जाए तो समाज में सभी को रहना होता है, और आपके जो कमेंट होते हैं वो कभी ना कभी आपके परिवार के लोग अगर देख लेते हैं तो उन पर क्या विचार, उन पर क्या असर पड़ने वाला है उन कमेंट्स का, ये आप खुद समझ सकते हैं। इन्होंने जो बात रखी है वो आपको कैसी लगी है, क्या इनका इस प्रकार से दोबारा से कैमरे के सामने आना आपको उचित लगा है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।